हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइट ड्राइंग इनसाइड में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फ्रॉम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो फर्स्ट ईयर की ट्रेड है जितने भी, जिनका अब जून 2019 में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होने वाला है, तो उसमें ये भी हमारा एक टॉपिक बनता है। तो ये भी क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि आपको इस तरह से तीन व्यू दिए होंगे, फ्रंट, साइड, टॉप, और इन तीनों को जोड़कर आपने इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसकी बनानी है। तो ये भी लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसको भी अच्छे से तैयार करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा अच्छे से, तभी आपको पूरा समझ आएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी आकृति के आपके फ्रंट, साइड और टॉप व्यू आपको यहाँ पर दिए होंगे, और इन तीनों को आपने या इन तीनों की सहायता से इसका आइसोमेट्रिक ब्लॉक आपने यहाँ तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इन तीन व्यू दिए हुए हैं, इन तीनों की सहायता से हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई निकालेंगे। तो लंबाई आपको कहाँ से पता चलेगी, जहाँ फ्रंट व्यू होगा या एलिवेशन होगा उसकी टोटल लंबाई, तो यहाँ आपको दी हुई है 70 और चौड़ाई आपकी होगी साइड व्यू में जितनी दी होगी यहाँ कितनी है 40, और ऊंचाई इस ब्लॉक की जो हाइट होगी तो ये आपकी 60 रहेगी। तो इस तरह से आपने इसकी ये हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल लेनी है, और उसके बाद इस तरह का ये आपने आइसोमेट्रिक इसका ब्लॉक तैयार करेंगे। पहले ये आपने ध्यान देना है कि किस एंगल में बनी, फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में। अगर टॉप व्यू ऊपर बना हुआ है तो आपका थर्ड एंगल है, अगर नीचे दिया होगा तो फर्स्ट एंगल है। तो यहाँ जैसे कि थर्ड एंगल में दिया है, ये हमारा जो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर, तो थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर बनता है, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में बनेगा, राइट वाला राइट में, और फ्रंट फ्रंट में रहेगा। अगर यही हमारा अगर फर्स्ट एंगल में होता तो टॉप नीचे होता, जैसे कि ये व्यू दिया हुआ राइट साइड में तो ये लेफ्ट व्यू होता ऑब्जेक्ट का, लेकिन अभी हम थर्ड ले रहे हैं तो लेफ्ट वाला कहाँ बनेगा, लेफ्ट में, और फ्रंट फ्रंट में, और टॉप ऊपर से रहेगा। तो इसमें आपको पहले एंगल पता कर लेनी है, भी फर्स्ट एंगल है कि थर्ड एंगल है, फिर उसी ही हिसाब से इसका अपने सिमेट्रिक व्यू जो ब्लॉक तैयार करेंगे। तो ये राइट लेफ्ट साइड है, तो इसको जो साइड रहेगी इसकी, ये जो 40 रहेगा ये लेफ्ट में लेना आपने इस तरह से, और जो लंबाई है ये फ्रंट की यहाँ इस साइड चलेगी 70, और जो हाइट आपकी 60, तो 70 × 40 × 60 ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इस तरह तीनों चीज़ों को लेकर आपने ये आइसोमेट्रिक ब्लॉक तैयार कर लेना है। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं वीडियो में कि स्टार्ट कैसे करना है। पहले ये तीनों चीज़ें निकाल के इस तरह से आपने ब्लॉक तैयार करना है, फिर आपने व्यू पे आना है। तो गाइस, फ्रंट व्यू से शुरू करेंगे। सबसे पहले फ्रंट व्यू में आपने देखना है और साइड व्यू में जो नीचे की दी हुई, ये देखिए दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि ये देखिए जो हाइट है ये 25 की, यहाँ इन तीनों ब्लॉक की सेम हाइट है, और साइड व्यू में जो ये नीचे का बॉक्स है इनकी भी सेम हाइट है। मतलब कुछ इस आइसोमेट्रिक जो इसका बनेगा ब्लॉक, उसके अंदर क्या है, जो नीचे का बेस है वो क्या बिल्कुल सेम रहेगा, तो एक प्रॉपर हाइट है। ये देखिए कॉमन चीज़ है, तो सबसे पहले ये नीचे का बेस ही हमने यहाँ तैयार करना है। तो इसकी हाइट 25 है, तो आपने यहाँ स्केल के ऊपर ये 25 ले लेना है यहाँ पर ऐसे, और सेट स्क्वेयर की सहायता से आपने इसको तैयार कर लेना है। ये तो मैं स्केल से तैयार करके दिखा रहा हूँ, आपने सेट स्क्वेयर की सहायता से बनाना है। जैसे कि ये यहाँ से इसको मिला दिया है, और इसको, तो इस तरह से ये दीवार है। तो पहले इसका आपने जो बेस है पूरा तैयार करना है, इसी को इसी कोण पर हम यहाँ लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ से ये आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से नीचे का जो है बॉक्स तैयार हो गया। अब देखिए आप कि यहाँ नीचे के बॉक्स में आपको तीन दीवारें दिख रही हैं, तो तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ से 25, यहाँ से 25, तो ये भी आप यहाँ बना लीजिएगा।
ये 25-25 के ये फ्रंट में आपके तीन लाइन जो दिख रही है वो ये हमने ड्रा कर दी है। और यहाँ से देखिए आप, नीचे का सेम है, ये एक हिडन पोर्शन है, ये बाद में करेंगे, जो पहले साफ दिख रहा है वो आपने करना है। अब ये देखिए इस बॉक्स के ऊपर एक ये दीवार और है, ठीक है, इसकी यहाँ जो चौड़ाई है आपकी ये लगभग 15 ले लीजिए आप, तो ये साइड में एक दीवार दिख रही है हमें 15 की, तो ये दीवार हम यहाँ तैयार करेंगे। यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये 15 की है, तो इस तरह से ये हम एक जो दीवार ऐसे ये जो हमें दिख रही है इसको ऐसे ड्रा कर देंगे पैरेलल। यहाँ से इसको सीधा मिला देंगे, और यहाँ से इनको भी मिला देंगे, तो ये पीछे की एक दीवार खड़ी हो गई है। तो आपको अभी विजिबल दिखा देंगे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है जो हम यहाँ साफ़ कर देंगे तो ये आप इजीली दिख जाएगी जो हमने ये दीवार खड़ी की है। देखिए अब आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए दोस्त गाइस, ये जो ये वाली दीवार थी वो ये चीज़ हमने इसकी ऊपर यहाँ खड़ी कर दी है। अब देखिए फ्रंट व्यू में ये कुछ इस तरह का कटा हुआ है, तो ये जो कटा हुआ है वो इस दीवार के ऊपर कटा हुआ है, तो यहाँ से ये देखिए दूरी कितनी है आपकी 25 है, तो यहाँ से आपने 25 पर निशान लगा लेना है, और यहाँ भी 25 पर, और इसको ऐसे मिला देंगे फिर हम। उसके बाद देखिए ये टेपर दिख रहा है, तो जो टेपर है कॉर्नर तक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है ये ऐसे टेपर लाइन ऐसे मिला देनी है बिल्कुल कॉर्नर, और अगले जो पॉइंट का कॉर्नर है वो भी आप यहाँ मिला देंगे कॉर्नर। तो ये इस तरह से बन चुकी है जो आकृति यहाँ दिखा रहे हैं इस तरह से टेपर, और यहाँ से ये दीवार थी, जब साइड से देखेंगे तो ये टेपर दिखेगा ऐसा ये वाला, और अब बचा है हमारा ये डॉटेड। ये डॉटेड क्या है, हिडन पार्ट है, सामने से नहीं दिखाई दे रहा, तो टॉप में देखिए यहाँ कटा भी हुआ है, तो ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से 25 पर है टॉप पर, तो यहाँ से 25 है, जो गहराई इसकी है ये आपकी 10 रहेगी, तो यहाँ से आपने इस कोण पर 10 मिलीमीटर अंदर जाना है कट लगाने के लिए, और यहाँ से इसको ऐसे हम मिला देंगे। और यहाँ से आपने 90 डिग्री पर नीचे आना है, और यहाँ से इसको इस कोण पर मिला देंगे, और इस कोण के इसके पैरेलल हम यहाँ इसको इस साइड से मिला देंगे, तो ये कटा हुआ हिस्सा आपका विजिबल हो जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा थी इसको भी आप साफ कर दीजिए ताकि व्यू हमारा अच्छे से दिख जाए, जो आइसोमेट्रिक व्यू हमने यहाँ पर तैयार किया है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू जो हमने यहाँ तैयार किया है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको अच्छे से यहाँ दिख भी जाएगा कि हमने क्या चीज़ बनाई है। ये देखिए इस तरह का इसका जो ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक बनकर तैयार हो चुका है, तो ये चीज़ आपने वहाँ बनाकर एग्ज़ाम में दिखानी है। ये तीनों व्यू को जोड़ते हुए हमने ये जो प्रोजेक्शन तैयार की है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू आपका जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, भी तीन व्यू को जोड़कर हमने ये आपका आइसोमेट्रिक ब्लॉक तैयार कर दिया है।
तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, दोनों या तीनों व्यू को जोड़ते हुए वन बाय वन पहले कॉमन चीज़ देखनी है, चाहे फ्रंट साइड में हो या फ्रंट टॉप में, उन दोनों को जोड़ते हुए आपका ये आइसोमेट्रिक ब्लॉक जो है तैयार बन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है और ये इसके भी चांस पूरे हैं पेपर में कि आ जाए। अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल अगर बाय चांस नहीं आते तो ये आ जाएगा, कई बार दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी और प्रोजेक्शन वाला भी। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।